नमस्कार बच्चों, आइए आज हम मीरा के पदों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मीरा का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर राजस्थान के चौकड़ी गांव में हुआ था। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। आज भी कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम के लिए मीरा का नाम आदर के साथ लिया जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के राजा भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ। उनका बचपन अत्यधिक कठिनाइयों से बीता। बचपन में ही माँ का देहांत हुआ। विवाह के कुछ ही साल बाद पति फिर उसके पिता का भी देहांत हो गई। इसके बाद वे पूरी तरह से घर परिवार छोड़कर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। उनके गीतों का संकलन मीरा की पदावली नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो बच्चों, हमें पढ़ने के लिए दो पद दिया गया है। पहले पद में मीरा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा यानी दुख दूर करने को कह रही है। मीरा कुछ उदाहरण देकर कहती है कि हे कृष्ण, तूने बहुत सारे लोगों की मदद की है, उनके दुख को तूने दूर किया, इस प्रकार इस भक्त मीरा का भी दुख को तुम दूर करो। पद कुछ इस प्रकार है। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी की लाज रखी आप बठायो चीर, भगत कारण रूप नरहरी धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी पीर। अर्थात हरि आप हरो जनरी भीर, हरि माने कृष्ण, हे कृष्ण आपने क्या किया, जनरी भीर को हर लिया। जनरी मीन्स लोगों की दुख को आपने क्या किया, हर लिया मीन्स दूर किया। हे कृष्ण आपने अनेक लोगों के दुख को दूर किया। मीरा कुछ उदाहरण देती है कि द्रौपदी री लाज राखी आप बठायो चीर। द्रौपदी की कथा तो हम सब जानते हैं। दुशासन जब द्रौपदी की चीर यानी वस्त्र को हरण कर रहा था, तो हे कृष्ण तूने क्या किया, उसे वस्त्र बठाकर या चीर देकर उसे उसकी लज्जा बचाई या लाज बचाई। दूसरा उदाहरण, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप। भक्त प्रहलाद के लिए आपने क्या किया, नरहरि का रूप धारण किया। वो भी एक अन्य कथा है बच्चों। एक भक्त था, उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद को क्या किया श्री कृष्ण ने, प्रहलाद को जिनसे अपने पिता से कृष्ण ने क्या किया, उनकी प्राणों को बचा लिया। नरहरि प्रहलाद के प्राण बचाने के लिए कृष्ण ने नरसिंह या नरहरि का रूप धारण करके उनकी रक्षा की। दूसरा उदाहरण, बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। बूढ़तो मीन्स डूबते हुए, गजराज मीन्स हाथी। आपने क्या किया, डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचा दिया। वो भी एक अन्य कहानी है। एक दिन एक हाथी सरोवर में जलपान कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, एक मगरमच्छ के चंगुल से आपने क्या किया, उस हाथी को बचा लिया। तो मीरा का अंत में मीरा कहती है कि दासी मीरा लाल गिरिधर हरो हमारी पीर। हे कृष्ण मैं तुम्हारी दासी हूँ, इसलिए हे गिरिधर, हे कृष्ण मेरी पीड़ा को भी तू हर लो या दूर कर लो। तो बच्चों, पहले पद में मीरा भाई कृष्ण से प्रार्थना करती है कि या विनती करती है कि आपने बहुत सारे लोगों की रक्षा की है, मैं तो आपकी दासी हूँ, इस दासी मीरा की भी जान को बचाओ या मेरी भी दुख को दूर करो। तो इसमें से मुख्य प्रश्न आएंगे, मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने के लिए किन किन उदाहरणों की बात की है। हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती के लिए, द्रौपदी इलाज बचाने की, प्रहलाद के लिए नरहरि का रूप धारण करने तथा डूबते गजराज को बचाने के उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आइए चलिए दूसरा पद। दूसरे पद में मीरा कहती है कि हे कृष्ण मैं तुम्हारी चाकरी, चाकरी यानी नौकर, यानी नौकरानी बनना चाहती हूँ। नौकरानी बनने के पीछे कुछ लक्ष्य या उद्देश्य मीरा के पास है, वो हम पढ़ेंगे। मीरा क्यों कृष्ण के नौकरानी बनना चाहती है। मीरा कहती है कि मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर हर समय तुम्हारा दर्शन पाना चाहती हूँ। श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी चाकरी या नौकरानी बनना चाहती है।
वह कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, आप मुझे अपने नौकरानी बना दीजिए ताकि मैं आपकी दर्शन निद कर सकूं। पद कुछ इस प्रकार है, सुनिए। श्याम मैंने चाकर राखो जी, गिरधर लाल मैंने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, निद उठ दर्शन पास्यों, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भगत जागीरी पास्यों, तीनों बात सरसी। कुछ भाषा कुछ कठिन लगती है, भाषा यानी शब्द कुछ कठिन लगती है, ये तो उसकी ब्रज भाषा है। कुछ मेरा भाई की भाषा हमेशा राजस्थानी मिश्र ब्रज होती है, इसका सीधा सा हिंदी अर्थ शब्दार्थ भी होती है, मैं आपको बताती हूँ। श्याम म्याने, म्याने मीन्स मुझे, श्याम मीन्स कृष्ण, हे कृष्ण मुझे चाकर राखो जी, चाकर मीन्स नौकरानी या नौकर बना दो, हे कृष्ण मुझे तू अपनी नौकरानी बना दो, क्योंकि गिरिधर लाल मैनो चाकर रखो जी, हे गिरिधर लाल, गिरिधर भी श्री कृष्ण का दूसरा नाम है, गिरिधर गिरी को धारण करने वाला गिरिधर, हे गिरिधर तुम मुझे अपनी चाकर नौकरानी बना दो, चाकर रहस्यों बाग लगस्यों निद उठ दर्शन पास्यों, अगर तुम मुझे तुम्हारी नौकरानी बनाओगी तो क्या करूँगा मैं, क्या करूँगी मैं तेरे लिए एक बाग, बाग मीन्स गार्डन, तुम्हारे लिए एक बाग बनाऊंगी और निद उठकर तुम्हारी दर्शन पाऊंगी, अर्थात उस बगीचे में जब तुम टहलने के लिए आओगे तो मैं निद उठकर तुम्हारी दर्शन पाऊंगी, और फिर मैं क्या करूंगी, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू, इस वृंदावन की कुंज गली में, इस गली में मैं तुम्हारी लीला गान गाऊंगी, चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यूम, चाकरी में मीन्स नौकरानी बनकर हर दिन में तुम्हारी दर्शन पाना चाहती हूँ, उस प्रकार सुमरन पास्यूम खर्ची, अर्थात आपके नाम की स्मरण की खर्ची मुझे मिलेगी, मुझे कोई तनख्वाह या कोई वेतन की जरूरत मुझे नहीं है, आपके स्मरण रूपी खर्ची मुझे काफी है, तो आपके नौकरानी बनकर मैं आपके दर्शन निद करूंगा, आपके लिए मैं बाग बगीचा बनाऊंगी, आपके लिए मैं मधुर गीत गाऊंगी, इसके अलावा आपके स्मरण, आपके नाम स्मरण से स्मरण रूपी खर्च मुझे मिलेगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। भाव भगत जागीरी पास्यूं, भाव भगत, भगत मीन्स भक्ति, भक्ति रूपी भाव जागीरी, जागीरी अर्थात दौलत यानी प्रॉपर्टी, तो मेरे अंदर जो भक्ति या भक्ति का भाव आएगी वो भी मेरे लिए उतना ही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि वो मेरे लिए धन दौलत के समान है। तीनों बातें सरस, इस प्रकार तीनों बात में आसानी से मुझे प्राप्त होगी, कौन कौन सी तीनों बातें, आपका दर्शन मुझे मिलेगा, आपके स्मरण रूपी खर्ची मुझे मिलेगी और भक्ति रूपी दौलत भी मुझे मिलेगा, ये तीनों बातें मैं आसानी से प्राप्त कर सकूंगी, कैसे, जब तू मुझे अपनी नौकरानी बना दोगी तो मीरा भाई कृष्ण से कहती है कि हे श्याम, हे गिरिधर, मुझे अपनी नौकरानी बना दो ताकि मैं आपका दर्शन निद पा सकूं, मैं आपके लिए क्या क्या करूंगी, मैं आपके लिए एक सुंदर बाग बनाऊंगी और उस वृंदावन के कुंज गली में आपके लिए लीला गान सुनाऊंगी और इस प्रकार हर दिन आपका दर्शन भी हो जाएगा, आपके स्मरण रूपी खर्ची मुझे मिलेगी और आपके भक्ति रूपी दौलत मुझे मिलेगी, ये तीनों में बहुत आसानी से मैं प्राप्त कर सकूंगी या मुझे मिलेगी। तो मीरा भाई शाम की चाकरी बनना या नौकरानी बनना क्यों चाहती है, मीरा भाई कृष्ण की दासी बनना क्यों चाहती है, मीरा भाई श्याम की चाकरी इसलिए बनना चाहती है कि क्योंकि वह कृष्ण के सामीप्य प्राप्त करना चाहती है, वह हमेशा कृष्ण प्रेम में लीन होना चाहती है, वे हर दिन कृष्ण का दर्शन पाना चाहती है, इसलिए वो कृष्ण से कहती है कि हे गिरिधर, हे श्याम, मुझे अपनी नौकरानी बना दो, और नौकरानी बनकर वो क्या क्या करेगी, वो कृष्ण के लिए एक बाग बनाएगी, उसके लीला गान गाएगी, गली गली में उसकी लीला गान गाएगी। मीरा को
कौन सी तीन बातें, किन किन तीन बातें आसानी से या सरसी मीन्स आसानी से मिलेगी मीरा भाई को? कृष्ण का दर्शन, स्मरण रूपी खर्च, भक्त रूपी दौलत, ये तीनों बहुत आसान।